हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन फिर से केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर लेके आए हैं, ट्वेल्थ क्लास। इससे पहले अपन ने चार चैप्टर वैसे कंप्लीट कर दिए हैं, ये पांचवा चैप्टर है। हालांकि अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग संख्या में ये पहला चैप्टर है, ठोस अवस्था। कौन सा चैप्टर है? ठोस अवस्था। ये ठोस अवस्था अपने चैप्टर जो है, लिस्ट है सिलेबस की, उसके अंदर ये पहला चैप्टर है, ठोस अवस्था। हालांकि ठोस अवस्था के ये पदार्थ की तीन मूलभूत जो अपन अवस्था मानते हैं, उनमें से ठोस भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अवस्था है। जैसे कि हमने 11th क्लास के अंदर जो अपना 5th चैप्टर था, उसमें अपने गैसों के बारे में खूब पढ़ा था, थोड़ा बहुत दरों के बारे में पढ़ा था, और मैंने कहा था कि जो अपने ठोस अवस्था के बारे में बात करेंगे वो चैप्टर होगा अपना कौन सा, 12th क्लास में पहला चैप्टर होगा। आज अपन उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। हालांकि आप ठोस, द्रव और गैस में अंतर शायद 6th क्लास से देखते आए हो, वो सब अंतर नहीं करना अपने को। आप हर क्लास में ठोस, द्रव, गैस पदार्थ की जहां भी बात आई है आप करते आए हो, लेकिन आज स्पेशली आज दिन है किसका, ठोस अवस्था का। नाम आपने पहले सुना होगा, ठीक है। आज अपने स्पेशली ओनली फॉर ठोस अवस्था के बारे में बात करेंगे। तो जैसे ही ठोस अवस्था की बात आती है तो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ घूमने लग जाता है, कौन सी चीजें जो गैस अवस्था के विपरीत होती हैं। अगर हम पदार्थ की अवस्थाओं की बात करते हैं तो सिंपली मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा इसके बारे में डीपली। जैसे कि आपको पता है, अवस्था के बारे में चर्चा करते हैं तो गैस, उसके बाद द्रव यानी लिक्विड, और ठोस आपका सॉलिड। इन तीन अवस्थाओं की बात करते हैं, ठीक है। गैस के बारे में हमारी धारणा यही है कि इनके कण बहुत दूर दूर होते हैं, स्वतंत्र गति कर सकते हैं वगैरह वगैरह। ठोसों की हमारी धारणा यही है कि ठोसों के कण गैसों की तुलना में अधिक पास पास होते हैं, इस प्रकार से अरेंजमेंट होता है। लेकिन अगर हम इन द्रवों की बजाय ठोसों की बात कर ले, ये द्रव ठोसों की बात कर ले, तो इनके कण और भी बहुत ज्यादा क्लोजली होते हैं, बिल्कुल पास पास होते हैं। इनके अणु परमाणु के मध्य दूरी बहुत कम होती है, इनका बहुत कुछ। हाँ, बस यही तो पढ़ने वाले हैं, इन्हीं के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये उतारो, ये सब उतारे हुए हैं और आपके दिमाग में है, ये सब चीज आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। अब आपका बचपना खत्म हो गया, हम ओनली फॉर किसके ऊपर चर्चा करेंगे, इन ही ठोस अवस्था के ऊपर चर्चा करेंगे, ठोस पदार्थों की। बहुत कुछ यहाँ पे अपन जानकारी एकत्रित करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। तो आज का हमारा एक्चुअल में ये टॉपिक जो है आज का, एक तरह से ठोस का इंट्रोडक्शन, ठोस के मुख्य करैक्टर एंड ठोस के जो मुख्य दो प्रकार हैं उनका अंतर डिफाइन करने का ही हमारा आज का मुख्य टॉपिक रहेगा, ठीक है। तो हम आज फिर से आपके इस टॉपिक के ऊपर, इसके मुख्य मुख्य बिंदुओं के ऊपर चर्चा कर लेंगे। अच्छा, नोट्स प्रॉपर ही बनाना है, जहाँ यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है वो यहाँ तक बनाइए, और जिस बच्चे के फिर भी यानी कि साथ साथ नहीं बना पा रहा है, देखो जो नोट साथ साथ बनाएगा उसको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, और जो साथ साथ नहीं बना रहा है उसके लिए जो हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक जो PDF है नोट्सों की वो सेंड कर देंगे, ताकि आपको कोई अगर लाइन छूट रही है तो आप देखकर बना सको। लेकिन खाली आप अगर PDF से नोट्स बना रहे हो तो इसका इतना फायदा नहीं होगा जितना आपको देखने के बाद होगा। तो वीडियो को तो आप प्रॉपरली आराम से सुने, देखें और उसके अकॉर्डिंग ही नोट्स बनाएं। चलिए अपन बात करते हैं ठोस अवस्था के ऊपर। देखो, ठोस अवस्था जो अपना टॉपिक है, ठोसों के जो मुख्य लक्षण हैं, ठोसों के मुख्य लक्षण क्या है, ठीक है। ठोसों के मुख्य लक्षण की सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं तो हम एक ही चीज की दाद देते हैं। कौन सी चीज की दाद देते हैं? सबसे पहले तो हमको यही फिक्स करना होगा कि ठोसों के अंदर, ठोसों में क्या क्या नियत होता है, क्या क्या निश्चित होता है। देखो, निश्चित क्या होता है? इनका आकार, इनकी आकृति, इनका आयतन, द्रव्यमान, ये सब क्या होता है? निश्चित होता है। ये सब क्या है? नियत है, फिक्स है, कांस्टेंट है, है ना, डिफाइन है, चेंज नहीं होता। क्या? आकार, आकृति, आयतन, द्रव्यमान, ये सब ठोसों का फिक्स है, सेफ है ना, ये चेंज नहीं होता। गैसों में ऐसा होता है?
गैसों में कोई आयतन, ये सब कोई चीज आकृति आकार जैसे गए घूम लिए विचरण कर लिए ये सब हुआ, ऐसा नहीं होगा। तो ये स्पेशली ठोसों के बारे में मुख्य लक्षण है। फिर हम बात करते हैं कि ठोस आपके अत्यधिक दृढ़ होते हैं, ठोस कठोर होते हैं, कुछ नहीं बन जाता है। ठोस कठोर क्यों होते हैं, ठोस कठोर क्यों होते हैं? देखो मैं बोल रहा हूँ, ये मान लो आप ठोस बहुत मतलब आपके दृढ़ होते हैं, है ना, रीजन क्या है देखो। दूसरा पॉइंट ध्यान देना, ठोसों में इनके अणु अणु परमाणु या आयन, देखो मैं तीनों चीज यूज करूंगा, अणु परमाणु आयन, जो ठोस हैं वो अणुओं से परमाणुओं से और आयनों से तीनों से ही मिलकर बने होंगे। आगे जाके अपन इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे, क्योंकि ठोस पदार्थ के अपन अगर अव्यवी कण कॉन्स्टिट्यूट ऑफ पार्टिकल मानते हैं तो ये सब जन्मदाता हैं। आयन भी ठोस पदार्थों का निर्माण करते हैं, परमाणु भी ठोस पदार्थों का निर्माण करते हैं और अणु भी ठोस पदार्थों का निर्माण करते हैं। तो हम इन सबको ही मान लेते हैं कि ठोस पदार्थों के अंदर अणु परमाणु और आयन एक दूसरे के इतने नजदीक होते हैं, मतलब इनकी जो सबसे कम दूरियां होती हैं, इनकी व्यवस्था जो होती है बहुत ही, इसलिए अणु परमाणु आयन में अंतरा आणविक अंतरा परमाणविक और अंतरा आयनिक, क्या बोल सकते हैं, अंतरा आयनिक दूरियां बहुत कम होती हैं, दूरियां बहुत कम होती हैं, इसलिए क्या होंगे ये, इसलिए क्या होंगे ये, इसलिए ये बहुत मजबूत होंगे और ये बहुत ही ज्यादा कठोर होंगे। क्या, क्योंकि बनते किससे हैं ठोस पदार्थ, अणु से परमाणु से आयन से, इसलिए हमने क्या कहा, अंतरा आणविक अंतरा परमाणविक और अंतरा आयनिक दूरियां बहुत कम होती हैं, इसलिए ये कठोर होते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को आप प्रॉपर उतारे और बाकी नोट्स में पूरा अच्छे से पॉइंट मिल जाएगा। मेन चीज है यहाँ पे समझने के लिए, है ना, क्योंकि हम समझाने की पर्पज से ही ये वीडियो उठाया, बाकी तो आपको पता है चार चैप्टर अपन ने कैसे पढ़ाए, ताकि आपको इन ये जो चैप्टर था वो थोड़ा सा इमेजिन, देखो मैं पहले बोल रहा हूँ चैप्टर बहुत अच्छा है, जिसकी इमेजिन पावर सबसे स्ट्रांग है उसको चैप्टर बहुत अच्छा समझ में आएगा। मैं तो ये मानता हूँ, लोगों का मानना है कि चैप्टर इजी है, लेकिन मेरा मानना है चैप्टर बहुत इजी है, उसके लिए बहुत इजी बन जाएगा जिसकी इमेजिन पावर बहुत स्ट्रांग है, जो सोचने समझने की शक्ति, देखो इसमें क्या होता है, अपने घन बनेंगे क्यूब बनेंगे, जिसकी सोचने समझने की इमेजिन पावर ज्यादा है उसको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो अपन ने दूसरे पॉइंट में क्या कहा कि ठोसों में अणु परमाणु आयन, ठीक है, इनमें जो अंतरा आणविक अंतरा परमाणु और अंतरा आयनिक दूरियां बहुत कम होती है इसलिए ज्यादा कठोर होते हैं। अगर इनमें ऐसा होता होगा तो तीसरे पॉइंट के ऊपर अपन बात कर लें कि ठोसों में जो संपीड़िता का गुण है बहुत कम होता है। देखो अपन ये नहीं कह सकते कि होता ही नहीं है, जैसे संपीड़िता का गुण गैसों का तो मुख्य गुण है, गैसों को तो संपीड़न करना कंप्रेसिबल करना मुख्य गुण है, लेकिन संपीड़िता बहुत कम पाई जाती है ठोस के अंदर। आप लिख सकते हो तीसरा पॉइंट, संपीड़िता बहुत कम पाई जाती है, इसलिए क्योंकि इनके अणु परमाणु आयन पहले से ही बहुत पास पास स्थित होते हैं। उसके बाद इनका जो घनत्व है, घनत्व ठोसों का घनत्व द्रव गैस और इनकी तुलना में सबसे ज्यादा होता है। अगर मैं सॉलिड की बात करूं तो घनत्व सबसे ज्यादा, फिर लिक्विड का और सबसे कम गैस का घनत्व होता है, अगर घनत्व के केस में अपन बातें करें, सिंपल सा पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद अगर हम इनके गलनांक औतनांक की बात भी कर लें तो जो इनका मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है यानी कि गलनांक, वो सबसे ज्यादा होता है, किससे, वो ज्यादा होता है आपके गैस से, गैस से भी ज्यादा होता है आपका सॉलिड का, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट, अगर ये मेल्ट हो जाएगा तो उसके बाद अपन बॉइलिंग पॉइंट की भी इच्छा जाहिर कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, गलनांक बिंदु क्या है, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने की जो बीच की स्टेज है, जैसे हम कहें कि कोई पदार्थ 150 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होगा यानी कि पिघलेगा, तो वो दोनों के जो 150 डिग्री सेल्सियस तापमान है जो ठोस से द्रव में कन्वर्ट कर रहा है वो आपके लिए गलनांक बिंदु है, और बॉइलिंग बिंदु क्या है, किसी भी द्रव को वाष्पित करने पर, यानी कि जैसे मान लो एल्कोहल है,
एथेनॉल है, एथेनॉल को 78 डिग्री टेम्परेचर पर बॉईल किया जा सकता है। आपका वाटर है उसको हम 100 डिग्री पर बॉईल कर सकते हैं। तो एक तरह से जब किसी द्रव पदार्थ को वाष्प यानी कि गैस में बदला जाता है तो वो टेम्परेचर आपका क्या कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है, क्वथनांक बिंदु कहलाता है। तो ये इनके गलनांक बिंदु और इनके क्वथनांक बिंदु बहुत ही उच्च होते हैं अन्य की तुलना में, ठीक है। पसीना दिख रहा होगा आपको, गर्मी का थोड़ा उमस का माहौल है, बारिश तो बहुत हो रही है। अच्छा, इसके बाद अपन चर्चा कर लेते हैं कि इनमें ऐसा क्या होता है ये सब इतना कुछ होने के बाद भी, ठीक है। अब अपन ये कुछ इसके कुछ मेन कुछ मुख्य बातें थी कि ये हम सब ने करे मिले, ये सब जानते भी थे, अपन ने कुछ और थोड़ा सा आइडिया बता दिया। अब इतना कुछ होने के बाद शायद हमारी आज तक की जो पॉलिसी थी वो यहीं तक थी। अब हमारी जो पॉलिसी है यहाँ तक शायद हम बचपन में यहाँ तक की बातें शायद जानते आए होंगे, लेकिन अब जो चैप्टर स्टार्ट होने वाला है वो कुछ अलग स्टार्ट होने वाला है, शायद हमारे नॉलेज से थोड़ा सा आगे स्टार्ट होने वाला है। अब चैप्टर में नया मोड़ आने वाला है, यानी कि हमारी लाइफ में नया मोड़ आने वाला है। अब तक का चैप्टर शायद हमने किया था, तो ये मैंने मुख्य पाँच आपको गुण बताए हैं, ये पाँचों करैक्टर ठोसों के बारे में आपको याद हो जाने चाहिए और ये आपको नोट्स में भी मिल जाएंगे। अगर यहाँ से साथ साथ उतारते तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है आपको। जब भी आप नोट्स बनाओ तो मोबाइल को सामने रखो, आराम से सुनो और लिखते जाओ। मैं इतना फास्ट में नहीं पढ़ा रहा, जैसे क्लास का फ्लुएंसी होता है वो उतना ही यहाँ पर है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे जो 35 से 40 मिनट का वीडियो बनेगा वो आपकी क्लास के एक घंटे के बराबर ही होता है, उतना ही मैटर होता है जितने आपकी क्लास में एक घंटे में होगा, ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं ठोसों के प्रकार की बात। अब आप सोचो सर ठोसों के भी प्रकार होते हैं, अभी तो प्रकार देखे कहाँ हुआ, आप तो सिर्फ ठोसों के बारे में पढ़े हो, अभी आप ठोसों के प्रकार देखोगे। ठोसों का जो प्रकार है वो किस आधार पर होगा, इनकी अरेंजमेंट के आधार। देखो जहां पर भी वर्गीकरण की बात आती है, जहां पर टाइप्स की बात आती है, कोई ना कोई वजह होती होगी, किसी भी वर्गीकरण की क्या होती होगी, कोई वजह होती होगी। यहाँ पर भी वजह है, इन अणु परमाणु आयनों की व्यवस्था अरेंजमेंट का वजह है कि आगे जाके ठोस हम लाइफ में बहुत प्रकार के ठोस पढ़ने वाले हैं, खूब प्रकार के ठोस देखने वाले हैं। तो इनकी लाइफ में ऐसा कोई ना कोई वजह है जिसके हम देखने वाले हैं। अब वो वजह क्या है क्या नहीं है, तो हम अब अपन क्या करने वाले हैं, ठोसों का वर्गीकरण करने वाले हैं। और ठोस अपन मुख्यतः दो प्रकार से देखेंगे, क्या देखेंगे, ठोसों के प्रकार। और मुख्यतः ठोस कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। अब दो प्रकार के ठोस कौन कौन से होते हैं, ठोस कितने प्रकार के होते हैं, देखो चैप्टर को भी मिटा देता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ ठोस अवस्था चैप्टर है। देखो ठोस दो प्रकार के होते हैं, ठोस कितने प्रकार के होते हैं, ठोस दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, वजह क्या है, ठोसों के प्रकार की वजह क्या रही है, हम किस आधार पर इनका वर्गीकरण कर रहे हैं, ज्यामिति के आधार पर वर्गीकरण कर रहे हैं। अभी पता चलेगा किसके आधार पर वर्गीकरण कर रहे हैं, ज्यामिति के आधार पर वर्गीकरण कर रहे हैं, ज्यामिति के आधार पर। भाई देखो वर्गीकरण का कोई ना कोई वजह होता है, तो हमारी वजह थी ज्यामिति के आधार पर। और वो कौन से दो प्रकार के हैं वो भी हम यहाँ पे प्रॉपरली बता ही देते हैं इनके बारे में। जैसे सबसे पहले मैं बात करूंगा क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरा है अमार्फस सॉलिड यानी कि अक्रिस्टलीय ठोस। अब सर ये क्या आ गए, हम तो सिर्फ ठोस ही सुने हैं आज तक, अब ये क्या फंडा आ गया क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय का। अभी देखो बात समझ में आएगी, एग्जांपल से समझ में आएगी, फ्लुएंसी से समझ में आएगी, भाषा से समझ में आएगी, कुछ डायग्राम से समझ में आएगी, कुल मिला के बात यह है कि समझ में आ जाएगी। देखो कितना फर्क होता है क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में, एक एक अंतर से समझते हैं। मुख्यतः अपन चार पांच अंतर में ही पूरा इसको निपटा देंगे, अंतर वाले चैप्टर को, अंतर वाले टॉपिक को। तो बहुत ही मुख्य क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है नॉर्मली क्रिस्टलीय ठोस व अक्रिस्टलीय ठोस में कोई चार अंतर बताओ, है ना, या मुख्य अंतर बताओ, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले मैं इसके अगर अंतर की बात करूं, पहले ही अंतर की बात करूं इन दोनों के अंदर, किस किस में, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में, सबसे पहले अंतर तो है कि क्रिस्टलीय ठोसों की ज्यामिति निश्चित होती है, क्रिस्टलीय ठोसों की ज्यामिति क्या होती है, निश्चित होती है।
अब इसका क्या मतलब हुआ कि ज्यामिति निश्चित होती है। ज्यामिति निश्चित का मतलब क्रिस्टलीय ठोसों का यह है कि इनके अणु, परमाणु या आयन एक निश्चित क्रम होता है, एक अरेंजमेंट जो होता है रेगुलर अरेंजमेंट होता है। रेगुलर का मतलब ये हुआ कि अगर अगर हम ये माने कि कोई सबसे पहले, जैसे कि ये पॉजिटिव चार्ज यानी कि हमारे पास कैटाइन है, कोई भी सॉलिड में कैटाइन ले लिया तो दूसरा क्या होगा, दूसरा एनायन होगा, फिर क्या होगा, फिर कैटाइन होगा, फिर एनायन होगा, फिर कैटाइन होगा, फिर एनायन होगा, फिर कैटाइन होगा, यानी कि एक निश्चित क्रम है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऑर्डर है। ये ऐसे नहीं होता, आपने 11th क्लास में सुना होगा ठोस घनीय संरचना में होते हैं। अभी घन कहाँ बनाए, एक नॉर्मल बातें कर रहे हैं हम, तो सिर्फ एक कल्पना कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी है, हम तो इतना ही बना रहे हैं समझने के लिए। पता नहीं कितनी लंबी श्रृंखला होगी ऐसी चीजों की, कितने लाखों अरबों कितने सारे आयन होते होंगे ये हम जानते हैं। जहाँ मोल कंसेप्ट याद कर लिया करो, अगर आपको समझ में कम आए ना कि इतने से क्यों ले, होते बहुत हैं। फिर अगर मैं इसका दूसरा अरेंजमेंट ऊपर से नीचे करूँ तो ये अगर प्लस है तो दूसरी लाइन क्या होगी, माइनस की होगी। चलो कलर चेंज करके देख लेते हैं एक बार, ये अगर प्लस है तो ये क्या होगी, माइनस, और ये माइनस है तो ये क्या होगी, प्लस होगी। ये माइनस है, प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, इस तरह से इनका अरेंजमेंट होगा। वापस से अगर अपन लाइन लेंगे, ऊपर वाला क्या है माइनस, तो नीचे वाला क्या होगा, प्लस, नीचे वाला क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, अरेंजमेंट क्या होगा आपका, निश्चित हो जाएगा। ये माइनस ले लेते हैं, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। देखो एक क्रम है, एक व्यवस्था है कि एक के बाद एक, एक मतलब रेगुलर क्रम है, व्यवस्था हमारी बनी हुई है कि प्लस के बाद माइनस आएगा, यानी कैटाइन के बाद एनायन आएगा, एनायन के बाद कैटाइन आएगा, कैटाइन के चारों ओर एनायन है, एनायन के चारों ओर कैटाइन है, ऐसी व्यवस्था होती है क्रिस्टलीय ठोसों में। अभी देखो धीरे धीरे पता चलेगा ऐसी व्यवस्था किस में होती है, क्रिस्टलीय ठोसों में। अब बोलोगे सर फिर अक्रिस्टलीय ठोसों में क्या व्यवस्था होती है, इनमें मतलब ज्यामिति निश्चित तो होती है लेकिन शॉर्टली, बहुत कम टाइम के लिए, इनमें तो आप कहीं से कहीं तक भी चले जाओ, शुरू से लेकर एंड तक यही व्यवस्था मिलेगी। लेकिन जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं ना, उनमें कुछ देर के लिए तो प्लस माइनस, प्लस माइनस, फिर वापस से माइनस, मतलब फिर वो क्रम ही उपचूक हो जाएगा, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर प्लस, मतलब ऐसे यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ गया, यहाँ माइनस आ गया, यहाँ पे प्लस आ गया, यहाँ पे माइनस आ गया, प्लस आ गया, माइनस आ गया, माइनस आ गया, प्लस आ गया, प्लस, मतलब क्या हो रहा है आपको समझ में आ रहा होगा कि जो व्यवस्था वहाँ पे निश्चित एक ज्यामिति थी, एक रेगुलर ज्योमेट्री थी कि प्लस के बाद माइनस और माइनस के बाद प्लस, वो वाली फीलिंग यहाँ पे नहीं आई होगी आपको। यहाँ पे कब जाके माइनस आ गया, कब जाके प्लस आ गया, कब माइनस आया, कब प्लस आया, कोई पता नहीं चल रहा, ये प्लस, ये माइनस, है ना, कोई कोई फिक्स फ्लुएंसी नहीं है। क्या है, कोई फिक्स फ्लुएंसी नहीं है, मन में आया जब मुंह उठा के आ गए, मतलब कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है, यहाँ पे रेगुलर अरेंजमेंट है। अब पता तो अपने को एग्जांपल से चलेगा ना कि इसका मतलब क्या हुआ, आगे जाके इस प्रकार के ठोसों में फर्क क्या पड़ेगा, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी पे क्या फर्क पड़ेगा अगर ऐसा होता होगा तो पहला आंसर तो क्या है लिखेंगे अपन, क्रिस्टलीय ठोसों में इनकी ज्यामिति निश्चित होती है, एक कर्मिक होती है, जबकि इनकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती है। ठीक है, ये हिंदी में आप लिखोगे, मैं नहीं लिख रहा, क्या लिखोगे, इनकी ज्यामिति निश्चित होती है, मैंने समझाया निश्चित का मतलब क्या है, और इनकी ज्यामिति क्या होती है, अनिश्चित होती है। ठीक है, अब अगर मैं उदाहरण दूं आपको कि ऐसा किन में होता होगा, उदाहरण के तौर पे अगर मैं समझाना चाहूं तो एग्जाम्पल अगर मैं दूं आपको तो आपका NaCl जितनी भी आयनिक यौगिक है, ZnS, ठीक है, जितनी भी आपके कांच क्वार्ट्स, ठीक है, जो भी आप आयनिक कोवेलेंट हीरा ग्रेफाइट फोल्डिंग, जो भी सॉलिड के एक्चुअल उदाहरण है वो सब क्या है, ये है आपके मेटल्स आ गए, एल्यूमिनियम है, गोल्ड है, बोले सर महंगी महंगी बातें कर रहे हो आप तो, ठीक है, इनके एग्जांपल देखोगे आप क्या होगा, कांच, रबर, प्लास्टिक, इस टाइप के एग्जांपल होंगे। अब फर्क क्या है, इन चीजों का क्या फर्क हो जाएगा,
देखो अब थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। अगर मैं एग्जाम्पल के पास तीसरे अंतर की बात करूं, तीसरे अंतर में आपको एक चीज और समझ में आएगी कि इतना कुछ होने के बाद इनका जो शार्प मेल्टिंग पॉइंट यानी कि इनका जो गलनांक बिंदु है, गलनांक बिंदु है इनका क्रिस्टलीय ठोसों का निश्चित होता है, फिक्स है। एक डेफिनेट पॉइंट पे ही क्या होंगे, ये मेल्ट होंगे। एक डेफिनेट पॉइंट पे ही क्या होंगे, ये मेल्ट होंगे। जैसे जैसे अपन मान ले एक्स वाई जेड कोई भी मेटल है या कोई भी क्रिस्टलीय इनमें से या और भी खूब सारे एग्जाम्पल हैं, अगर कंडीशन ये है कि ये अगर आपका 150 डिग्री सेल्सियस पर अगर कोई मेल्ट होता है तो वो 150 के ऊपर 150 डिग्री सेल्सियस पर ही पूरा का पूरा मेल्ट होगा। ऐसे नहीं है कि 75 मिला तो कुछ थोड़ा आधा हो गया, 100 मिला तो कुछ 60% हो गया, ऐसा नहीं होगा। इसका अगर गलनांक बिंदु फिक्स है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट अगर फिक्स है कि ये 150 डिग्री सेल्सियस 150 डिग्री सेल्सियस पर ही अगर पिघलता है तो ये 150 पर पिघलेगा। ऐसे नहीं है कि आपने इसको क्या किया, इसको आपने 150 तो नहीं दिया लेकिन 100 दे दिया या 120 दे दिया तो क्या ये मेल्ट हो जाएगा, नहीं होगा। लेकिन अब ध्यान देना बात, ये क्यों अक्रिस्टलीय ठोस है और हम इनको और कुछ नया नाम देने वाले हैं, वो क्यों देने वाले हैं। अगर इन टाइप के एग्जांपल में से अगर मैं बात करता हूँ तो इनका गलनांक बिंदु मैंने कहा निश्चित होता है और इनका नहीं होता, अभी आप खुद ही समझ जाओगे कैसे। अगर ऐसा ही टेम्परेचर कुछ खास इनके लिए भी दिया जाता, इनको भी टेम्परेचर दिया जाता तो आप समझ सकते हो पॉलीथीन प्लास्टिक या इस टाइप के कुछ कांच वगैरह हो, उनका टेम्परेचर फिक्स नहीं है। फिक्स का मतलब इनको जैसे जैसे ताव मिलेगा यानी कि जैसे जैसे इनको टेम्परेचर मिलेगा वैसे वैसे ये पिघलना प्रारंभ कर देते हैं। ये वेट नहीं करते हैं कि मुझे 150 डिग्री मिलेगा तो ही मैं पिघलूंगा, ये 150 से कम में भी मेल्ट होना प्रारंभ कर देते हैं। यानी कि इनका कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं है कि इतने डिग्री सेल्सियस पर ही मेल्ट होंगे, इससे पहले दर ही नहीं होंगे, मतलब बिल्कुल ही नहीं होंगे। तो ये ऐसा इसमें नहीं होता है, ठीक है ना, इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इसको तो जैसे मिला लपेट लिया, मतलब जैसे मिला इसको क्या कर लिया, टेम्परेचर जैसे मिला जैसे ये पिघलता गया। लेकिन ये नहीं होगा, ये अपनी क्या है, ये जिद पेड़ है, 150 हो तो 150, ये बार्गेन नहीं करता है, 150 हो तो 150, इसका फिक्स है। अगर इसको 150 डिग्री सेल्सियस पे पिघलना है तो ये 150 पर ही मेल्ट होगा, इसका गलनांक बिंदु फिक्स है। ये 140 पे भी मेल्ट नहीं होगा, 49 पे भी नहीं होगा, जबकि ये तो 75 से प्रारंभ हो जाएगा, जैसे आग दिखाई वैसे पिघलना प्रारंभ हो जाता है, इसको कोई मतलब नहीं है, जिसको जितना मिला चालू हो गया, है ना, ऐसा होता है। देखो आप कितनी जल्दी सोच सकते हो, कोई प्लास्टिक की चीज जल रही है तो तुरंत जलती जाती है, जल्दी जैसे उसको ताप मिला जल्दी जाएगी। क्या लोहे में ऐसा होता है, जैसे मिला जल गई, ऐसा नहीं होता है ना। तो ये आगे जाके ये तो कंडक्टेंस वगैरह बहुत आगे जाके रीजन पड़ेंगे। तो अपने को तीन अंतर समझ में आ गए, क्रिस्टलीय ठोस में इनकी ज्यामिति निश्चित होती है, अक्रिस्टलीय ठोस की ज्यामिति निश्चित नहीं होती है। दूसरा, इनके एग्जांपल ऐसे वाले लिए हैं हमने और इनके एग्जांपल ये वाले। तीसरी बात करें हमने गलनांक बिंदु की, इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है यानी कि निश्चित गलनांक बिंदु होता है, उसी टेम्परेचर पर ये पिघलना प्रारंभ करते हैं, उससे पहले ये पिघलना प्रारंभ नहीं करेंगे। और इनके लिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, जैसे जैसे ताप मिला वैसे वैसे पिघलना प्रारंभ कर देते हैं। अब क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनता है, अक्रिस्टलीय ठोस या कांच को सुपर कोल्ड सॉलिड या लिक्विड कहते हैं, सुपर कोल्ड लिक्विड कहते हैं। अतिशीतित द्रव, हिंदी में बोले तो इनको क्या बोलते हैं, अतिशीतित द्रव या कांच को अतिशीतित द्रव कहते हैं। क्वेश्चन ऐसा बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना था 2018 में, इसका रीजन समझो। अपना जो कांच होता है, हम किसी कंस्ट्रक्शन या किसी बिल्डिंग में कोई विंडो देखते हैं, पुरानी 10-15 साल पुरानी विंडो देखते हैं, अगर वो किसी ग्लास से या कांच की है तो अपने को देखने पर ये पाया जाएगा कि जो नीचे की थिकनेस है, जैसे विंडो है, विंडो इतनी, ये जैसे मान लो इस विंडो का ग्लास है, तो जो नीचे की थिकनेस है धीरे धीरे क्या होगी, इसमें क्या होता है, बहने का गुण होता है,
कांच में देखो ज्यामिति निश्चित नहीं है ना, रीजन तो इसमें क्या होता है, बहने का गुण होता है, यानी कि आप 10-15 साल बाद में ये नोटिस कर सकते हैं जो इसके नीचे की वैथ है, इसकी जो थिकनेस है, मोटाई है, वो नीचे से आपको मोटी मिलेगी और ऊपर से पतले मिलेगी, ऐसा कांच में होता है। जबकि शुरू शुरू में नया लगाया जाता है तो दोनों की ओर की थिकनेस बिल्कुल बराबर होती है। तो इसलिए क्वेश्चन यहाँ से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि इस कांच को द्रव, अतिशीतित द्रव या सुपर कोल्डेड लिक्विड क्यों कहा जाता है, ऐसा एक क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट, तो कृपया इसका ध्यान दें, है ना। अगली बात समझ में ऐसा क्यों होता होगा। अब एक और पर अपन कर सकते हैं जो क्या बोलने वाले हैं, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा। देखो इसलिए, देखो यहाँ पे अपन एक मैं एग्जाम्पल तो बोल दूँ आपको, इसलिए इन चौथा अंतर, चौथा पांच और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं अपन वास्तविक ठोस। क्या बोलते हैं, वास्तविक ठोस, की ये वास्तव में ठोस है, रियल ठोस है, जबकि इनको क्या बोला जाता है, अवास्तविक। क्या बोला जाएगा, अवास्तविक ठोस या क्या बोलेंगे, अवास्तविक ठोस, या इनको क्या बोल सकते हैं अपन, आभासी ठोस। क्या नाम देंगे इनका, आभासी ठोस, ठीक है। शायद लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम होगी, एक ट्यूबलाइट नहीं चली आज, है ना, अब बीच में जग नहीं सकता जलाने के लिए, अगर आपकी इच्छा हो तो मैं जा सकता हूँ ताकि थोड़ी सी रोशनी ज़्यादा आ जाए, क्योंकि जब वीडियो स्टार्टिंग हुआ था तब थोड़ी सी इसके अंदर क्या थी आपके पास, इसमें लाइट थी, अब जाके थोड़ी सी कम हो गई है, चलो हो सकता है भरपाई हुई हो।